साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा कि स्टेट जो है अपील में गया और अल्टीमेटली स्टेट की अपील जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी। तो गुजरात हाईकोर्ट ने क्या क्या व्यूज़ लिए और क्या क्या फैक्ट्स फाइल पर थे उसको समझना ज़रूरी है। जब भी हम केस लड़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, तो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि इसको लड़े कैसे और बिंदु क्या क्या जिरे में लें और क्या क्या संभावित डिफेंस हो सकते हैं एक मुलजिम के। तो ये सब डिस्कस किए गए हैं इस साइटेशन में। साइटेशन 15 पेज की है, गुजरात हाईकोर्ट की है, 16/6/2023 का एक बेसिक जजमेंट है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो कुछ बातें हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो हमें फ़ायदा भी मिलने वाला है। एक एक बात खुल के बताऊँगा, कोई जल्दी नहीं है, पर बात समझ ली और कंसेप्चुअली क्लियर हो गए तो कोई आपसे पूछ भी लेगा भाई कैसे लड़ना है क्या करना है, तो आप इजीली बता पाओगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लिटिगेंट्स हैं, यंग एडवोकेट्स के लिए हु वांट टू बिकम एन इकोनॉमिक ऑफेंस डिफेंडर्स, और इसके अलावा उन व्यक्तियों के लिए जिनको रुचि रहती है कानून के सब्जेक्ट के अंदर। साथियों एक बात जो है आप नोट करते हुए चलें कि जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो कई भाषाओं में जो है अवेलेबल है, और इस वीडियो का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर जो है अवेलेबल है। और जब भी आप इसका जो कवर पेज देखेंगे वीडियो का, अगर उसमें लिखा हुआ है फॉर साउथ इंडियंस इन इंग्लिश, तो इसका मतलब वो उन लोगों के लिए बनाई गई जो साउथ इंडिया में रहते हैं या इंग्लिश को जो है समझ पाते हैं, और जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनके लिए मैंने हिंदी बनाई है, और जो पंजाब जोन है जिसमें हरियाणा दिल्ली और पंजाब कवर है उसके लिए मैंने यही सीरीज़ जो है रिकॉर्ड करी है पंजाबी में विदाउट एनी डबिंग, ओरिजिनल वॉइस है ताकि आप अपनी भाषा में जो है बात को समझ सकें। साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जजमेंट जो है ये है गुजरात हाईकोर्ट का, इसका साइटेशन है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मांगूभाई, और जजमेंट जो प्रोनाउंस हुआ है वो हुआ है 16/6/2023 को। क्लियर है। इस जजमेंट के फैक्ट्स क्या थे कि एक अपील जो है ये पेश करी स्टेट ने, स्टेट का कहना ये कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसे गलत एक्विट किया गया है। साथियों फैक्ट्स क्या थे प्रोसिक्यूशन के कि जो परिवादी है वो खुद इंस्पेक्टर है एसीबी जामनगर में, जिसका नाम है बीके सोलंकी, जिसने कंप्लेंट जो है लॉन्च करी 22/10/92 को। उसका कहना कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई कि कुछ ऑफिशियल्स जो है आरटीओ के, ये लोग लोगों से रिश्वत डिमांड करते हैं और एज अ मनी जो है रिश्वत को प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें एक ट्रैप जो है ऑर्गेनाइज किया गया और अल्टीमेटली इनको ट्रैप आउट किया गया, और फाइनली जो है FIR लॉन्च हुई, विटनेसेस के बयान हुए, एविडेंस को कलेक्ट किया गया और फाइनली इनको जो है चार्जशीट किया गया। कोर्ट ने जो है प्रोसिक्यूशन के बयान रिकॉर्ड करे, मुलजिम बयान रिकॉर्ड करे और अल्टीमेटली अक्यूज को बरी कर दिया। फिर स्टेट जो है ये अपील में गई, उनके कई तर्क जो है बिफोर कोर्ट थे। सबसे पहला तर्क था कि जो भी ऑर्डर है वो ट्रू सेंस में नहीं है और एक प्रॉपर परस्पेक्टिव में नहीं है, ये एक कॉमन कंटेंशन है। और प्रोसिक्यूशन को यदि भी केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट, पर हमने जो डिमांड एक्सेप्टेंस और जो अदर सिनेरियोज हैं उसके बारे में खुल के एविडेंस रखी है, जिससे हम केस को प्रूव कर पा रहे हैं और केस जो है स्टैंड करता है, जिस कारण इम्प्यूट जजमेंट जो है इट इज़ लाइबल टू बी क्वेश्चन एंड सेटिसफाइड। उनका ये भी कहना है कि चार्ज को हमें प्रूव करना है और चार्ज को हम प्रूव भी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी कोर्ट ने जो है यहाँ माइंड अप्लाई नहीं करा, तो कोर्ट ने एविडेंसेस को जो है प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं करा, कंसिडर नहीं करा, जिस कारण इम्प्यूट जजमेंट जो है लाइबल टू बी सेटिसफाइड है। उनका ये भी कहना कि जो क्रॉस है उससे ऐसा कोई फर्क निकल के नहीं आया कि जो इंक्रिमिनेशन है दे गॉट प्रोबलाइज, जब तक चीज़ें निकल के नहीं आती है प्रॉपर वे में तो किसी भी रूप में अक्यूज के डिफेंस को कंसिडर नहीं कर सकते, बट इसके बावजूद भी इम्प्यूट जजमेंट जो है पास किया गया है विच इज़ लाइबल टू बी सेटिसफाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो परिवादी है और पंच विटनेस यदि भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बट अदर विटनेसेस जो हैं यहाँ पर एग्जामिन है और वो जो है सपोर्ट करते हैं, और कोई पार्ट अगर एविडेंस का सपोर्ट करता है प्रोसिक्यूशन को तो उसके स्टेटमेंट पर रिलाई करके जो एलिगेशंस हैं उनको प्रूव और ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को जो है आसानी से जो है सस्टेन कर सकते हैं, पर इन सब बातों को ट्रायल कोर्ट ने जो है कंसीडर नहीं करा। इनका यह भी कहना है कि हमने जजमेंट साइड करा नीरज दत्ता वर्सेज स्टेट ऑफ NCT का, इसको भी जो है कंसीडर नहीं किया गया। इनका यह भी कहना है कि अपील को जो है अलाउ किया जाए, जिसका अपोज जो है वो कंसर्न अक्यूज ने किया, उसका तीन ग्राउंड से। सबसे पहले बात, हमें बियॉन्ड डाउट हमारा डिफेंस प्रूव नहीं करना है, हमें हमारा डिफेंस इस्टेब्लिश करना है बाय प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, उनको उनका केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसके अलावा केस में जो है मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एविडेंस जो है रिलायबल नहीं है, क्लिंचिंग एविडेंसेज हैं, जिस कारण उनका रिक्वेस्ट था कि केस को जो है सही निरस्त किया गया है। उनका यह भी कहना है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट है डिमांड एक्सेप्टेंस रिकवरी, ये साइन को ऑन है मीन्स आवश्यक है इन द करप्शन केस, जब तक ये प्रूव नहीं होंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब तक फाउंडेशन फैक्ट स्टैंड नहीं करेंगे अक्यूज को जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इनका ये भी कहना है कि जो विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर जो इस केस की प्राइम एविडेंसेस थे वो सपोर्ट नहीं करती हैं, इस केस में TLO एग्जामिन नहीं हुआ है, तो बेसिकली इट इज़ अ नो एविडेंस केस। जब नो एविडेंस केस है तो वहाँ पर एक्विटल जो है वो सही किया गया। इसके अलावा डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं इन्होंने जो है उस पर वर्कआउट किया,
उनका कहना यह कि जो केस है वो पूरा बेस्ड है सरमाइसिस पर, कंजेक्चर पर। जब तक केस के फाउंडेशन फैक्ट्स, कनेक्टिंग एविडेंस, क्लिंचिंग एविडेंस, कोएजेंट एविडेंस, स्पेसिफिक एविडेंस प्रूव नहीं होंगी, डिमांड स्पेसिफिकली प्रूव नहीं होगी, तो किसी भी रूप में जो है अक्यूज को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स का, सर्कमस्टेंसेस का जो है अवलोकन किया, और कोर्ट ने अपने फैसले माना कि जो अपीलेंट कोर्ट है उसकी शक्तियाँ हैं रिव्यू करने की, और रिव्यू करने के लिए एक ऐसे ग्राउंड्स फाइल पर होने चाहिए जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ट्रायल कोर्ट ने वास्तव में जो है मैटर अप्लाई नहीं करा। अगर ऐसे ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं देन देर इज़ नो लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन सच पावर। तो कुल मिला के ऐसे ग्राउंड अगर फाइल पर नहीं है तो कोर्ट को जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट जजमेंट्स को रिलाई किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के, सब ने एक ही बात कही कि अपीलेंट कोर्ट के पास पावर तो है बट इंटरफेयर तभी होगा कि जब ऐसी सर्कमस्टेंसेस फाइल पे हो जो शो ये कर सके कि कोर्ट का फैसला जो है वो एडवर्स है, कोर्ट ने बेसिक फैक्ट्स को नहीं देखा, मेटल फैक्ट्स को नहीं देखा और फ्लिमजी मैनर में जो है फैसला कर दिया। इसके अलावा जो बेसिक लॉ है वो है एमआर पुरुषोत्तम वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे, जिसमें ये स्पष्ट है कि डिमांड जो है प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। अगर परिवादी होशियार हो गया, वो नहीं आया या सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोसिक्यूशन केस को, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली जो है अक्यूज़ को मिल जाएगा। जजमेंट में रिलाई किया गया ऑन जजमेंट ऑफ बी जयराज वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश पे, उसमें भी यही बात कही गई कि अगर परिवादी जो है सपोर्ट नहीं करता है कंसर्न केस को तो वहाँ पर उसका फायदा जो है डिफेंस को मिल जाना चाहिए। जो भी एविडेंसेस है वो कनेक्टिंग नहीं है, एक ऑफेंस को जो है सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर मियर पजेशन ऑफ और रिकवरी ऑफ करेंसी नोट है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रूव द केस। प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा बाय फाउंडेशनल फैक्ट्स कि केस जो है स्टैंड करता है। अगर केस के प्राइमरी फैक्ट्स नहीं है, फाउंडेशनल फैक्ट्स नहीं है, तो ऑन मियर रिकवरी ऑफ मनी अक्यूज को जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने डिफरेंट स्नैरियोज में जो गाइडलाइंस इवन स्टेट ने पेश करी उस पर भी रिलाई किया, और उसमें स्पष्ट है नीरज दत्ता में कि प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना पड़ेगा, डिमांड को प्रूव करना पड़ेगा और तीनों फैक्टर को बियॉन्ड डाउट प्रूव करना है। अगर वो फैक्टर्स को बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा जो है अक्यूज को मिल जाएगा। प्रिजम्पशन तब ड्रॉ होगा जब फाउंडेशन फैक्ट्स प्रूव हो जाए। जब फाउंडेशन फैक्ट्स प्रूव नहीं है, अदर सर्कमस्टेंसेज फाइल पर नहीं है, तो कोई भी इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज जो अपील थी उसको खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको स्टैंड करने के जो है यहाँ पर ऑर्डर दिए। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप केस लड़ रहे हो एंटी करप्शन का, कि बी स्पेसिफिक इन योर कंटेंशन। अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो तो उसका डेफिनेट फायदा जो है कंसर्न पार्टी को मिल जाएगा। आप अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे, ढंग से केस को लड़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा। एक प्रॉपर ब्रीफ कर लो, डिफेंस रेडी कर लो, प्रॉपर रिसर्च कर लो, रिसेंट रिसर्च करो और उसके बाद जो है वर्कआउट करो, फायदा मिलता ही है। हम लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, गलत तरीके से पैर भी कराते हैं, फिर केस को हारते हैं, फिर रोते रहते हैं। केस कमजोर होता है प्रोसिक्यूशन का, और उनका तो केस ही क्लियर है हमारे को कि करना क्या है। अब सिर्फ आपको वर्कआउट करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, हम लोग निकलेंगे, निश्चित तौर पर निकलेंगे। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।